नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। नमस्कार, नई सुबह, नया जोश, नई उम्मीद के साथ आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ये दिन है मंगलवार का, तारीख है 3 जनवरी 2023। बैकग्राउंड पर घंटियों के बजने की आवाज आ रही है, ऊपर आसमान में ITBP का चौपर उड़ रहा है और हम आप लोगों के बीच में कुछ चटपटी खबरें सुना रहे हैं जो आम जनमानस के मुद्दे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। आज जो हम पहला मुद्दा आप लोग के बीच पे लेके आए हैं वो है रेलवे अतिक्रमण को लेके। आपको मालूम होगा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमणकारियों पर एक नोटिस गया था कि वो एक हफ्ते के अंदर अपनी जमीन जो है छोड़ दें। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट पर याचिका डाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस पर हम बात करेंगे कि रेलवे की अतिक्रमित जमीन से कब्जा हटाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश से रेलवे की अतिक्रमित जमीन से कब्जा हटाने के हाईकोर्ट के आदेश से राहत पाने के लिए एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सर्वोच्च न्यायालय ने SLP स्वीकार कर ली है। इस मामले में सुनवाई अब 5 जनवरी को होगी। विधायक सुमित हृदेश ने बताया कि उनके वकील सलमान खुर्शीद हैं और उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। उधर सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने बताया कि उन्होंने भी SLP दायर की है। उनके वकील प्रशांत भूषण व अन्य हैं। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को उनके पक्ष में कोई निर्णय लेगा। इधर इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले गोलापार निवासी रविशंकर जोशी ने भी कैवियट दायर कर ली है। रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर काबिज 40,000 की आबादी को बेघर होने से बचाने के लिए कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश, सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी सहित कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये मुद्दा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पर बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ हो क्या रहा है, दूसरी तरफ दुआओं के लिए हाथ उठ रहे हैं, घरों की सलामती के लिए महिलाएं दुआएं मांग रही हैं। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास हजारों अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए रेलवे और नैनीताल जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अतिक्रमण में 20,000 से अधिक लोग प्रभावित होंगे। विरोध में सोमवार को सैकड़ों महिलाओं ने लाइन नंबर 17 की सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और अपने घरों की हिफाजत के लिए दुआ मांगी है। 4,365 परिवार जो है अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं। 20,000 से अधिक लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं और ये मुद्दे जो है इस वक्त पे हल्द्वानी पे ट्रेंडिंग पे है। ट्विटर में भी आया, पिछले दिन ये हल्द्वानी #हल्द्वानी ट्रेंडिंग पे चला था। तो ये जो मुद्दा है ये आम जनमानस का मुद्दा है, कई परिवारों का, कई घरों का मुद्दा है, समुदाय का मुद्दा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक जो है इस पर इंतज़ार बना रहेगा। उसी के साथ नोटबंदी जो हुई थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की एक मुहर लगी हुई है। आपको मालूम होगा कि जब मोदी सरकार ने रात को जो है एक निर्णय लिया था कि आज से 1,000 और 500 के नोट बंद, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है उस पर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में 500 व 1,000 रुपये के नोटों का चलन रोकने के लिए सरकार को नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया था। शीर्ष कोर्ट ने साफ कहा था कि जल्दबाजी में किया गया फैसला नहीं था, इसमें कोई कानूनी या संवैधानिक गलती नहीं हुई। भारतीय रिजर्व बैंक RBI और केंद्र सरकार के बीच इस मसले पर करीब 6 माह तक विचार विमर्श हुआ था। निर्णय लेने के बाद प्रक्रिया केवल इसलिए दोषपूर्ण नहीं हो सकती क्योंकि इसका प्रस्ताव सरकार ने दिया था। इस पड्डी के साथ ही 5 सदस्यीय विधानसभा पीठ ने 4:1 के बहुमत से नोटबंदी पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने नोटबंदी के खिलाफ 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि जस्टिस BV नागरत्ना ने निर्णय लेने के तरीके को गैरकानूनी समझाया। जी हां, हुआ ये कि 5 लोगों का जो पीठ था, संविधान पीठ था, उसमें 4 लोगों ने नोटबंदी को सही ठहराया और 1 जो है उसके विरोध में रही। 500,000 के नोटों पर रोक के फैसले में कोई कानूनी या संवैधानिक दोष नहीं है, ये कोर्ट का कहना है। 58 याचिकाएं इसके खिलाफ डाली गई थी जो कि अब निरस्त कर दी गई हैं और कहा गया है कि नोटबंदी सही है। साथ ही UKSSC फिर शुरू करेगा भर्ती। SOP जारी कर दी गई है। समूह ग की भर्तियों में पेपर लीक का जो दाग लगा था वो सभी भर्तियाँ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास चले जाने के बाद अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
इस परीक्षा को आगे जो है प्रक्रिया पर लाएगा, भर्तियां शुरू करेगा। प्री मेन परीक्षा का प्रस्ताव अभी जो है लंबित है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। साथ ही मार्च में होगी वन दरोगा स्नातक स्तरीय सचिवालय रक्षक की पुनः परीक्षा होगी, ये कहना है इस अखबार का। उत्थान मंच पहाड़ियों का था, है और रहेगा, ये कहना है बंशीधर भगत का, जो स्थानीय विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। हीरानगर में एक बड़ी सभा जुटी थी जो है, उस पर ये फैसला लिया गया है और वहाँ SDM को आकर ज्ञापन सौंपा गया, SDM मनीष कुमार को। और बंशीधर भगत वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने बोला कि जो उत्थान मंच है वो पहाड़ियों का है, था और रहेगा, यहाँ किसी का कब्जा नहीं होगा। उसके लेके भारी संख्या पे लोग वहाँ पर जुटे हुए थे और उस भीड़ के साक्षी हम भी थे, क्योंकि हम भी वहाँ पर कवर करने गए थे। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। मुख्य मुद्दों पर हमने बात की, वो मुद्दे जो आम जनमानस के मुद्दे हैं। इन शुरुआती दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं खबरों को आप तक पहुँचाने की, क्योंकि जब समाचार की बात आती है, जब खबरों की बात आती है, ये अनुभव हमारे लिए बहुत नया है। कोशिश जारी है कि अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर आपको उन मुद्दों से परिचित कराया जाए, और अगर ये श्रृंखला हमारी अच्छी चलती है तो इसके बाद हम एक शाम की श्रृंखला भी आप लोगों के बीच पिलाएंगे, जहाँ पर हम कई लोगों को बुलाकर डिबेट्स के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से आप लोगों के बीच पर रूबरू होंगे। फिलहाल पगडंडी को आपने निरंतर प्यार दिया है, हमारी डॉक्यूमेंट्रीज को, स्टोरीज को, तो वैसा ही प्यार आप देते रहेंगे ग्राउंड रिपोर्ट्स को, ये आशा ये उम्मीद बरकरार है। आप पगडंडी देख रहे हैं, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, शुक्रिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।